बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और आपकी दुआओं से आज को ला करते हैं जी स्टार्ट। तो आज का सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ लाहौर वीज़ा उठाने के लिए। 12:15 की हमने बुकिंग करवा ली थी बलोच डेवो की, तो अब 11:50 हो चुके हैं, देर हो चुकी है। तो मैंने वहाँ पर पहुँचना है, टाइम से पहुँच जाऊँगा। हमारे घर के साथ टर्मिनल है, तकरीबन 5 मिनट का सफ़र, इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। समीउल्लाह मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो बलोच टर्मिनल पर मिलते हैं। तो अब हम बस पर सवार हो गए हैं, 5 और 10 मिनट तक इंशाल्लाह रवाना हो जाएगी। ये रहे समी भाई। समी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। सफ़र कैसा जा रहा है? सफ़र अभी तो बस रुका खड़ा है बस। हाँ जी, इधर 5-10 मिनट के बाद रवाना हो जाएगी। तो जनाब सामने LED लगी हुई है, इस पर कुछ सुन लेते हैं, इससे टाइम भी पास हो जाएगा और सफ़र का भी पता नहीं चलेगा। हम आज सुबह 6 बजे लाहौर के सिटी टर्मिनल पर पहुंच गए थे। फिर हमने नमाज पढ़ी इस मस्जिद पे, उसके बाद हमने वहाँ पर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। समय भाई पूरी रात सोए रहे हैं, पूरी रात। तो जनाब हमारा सफ़र ऐसे गुजरा कि मैं पूरी रात सोया आया, और चेकिंग के दौरान 2 बंदों ने मुझे पकड़ा है और मेरी पीक खींची है। और मुझे पता भी नहीं है, समी ने मुझे बताया कि आप फिर समी और पुलिस वाले भाई ने पीक ली है, उसके बाद हमें आगे जाने दिया है। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं ईरान एम्बेसी, क्योंकि वहाँ पर हमने वीज़ा उठाना है और सबसे पहला हमारा काम भी वही है जिसके लिए हम आए हुए हैं। यहाँ से एम्बेसी तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं या वहाँ पहुँचने पर, एम्बेसी पहुँचने पर। तो 30 मिनट के बाद हम पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह, फिर अल्लाह करे कि काम हो जाए। उम्मीद तो काफ़ी है कि काम हमारा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हम वैसे से फारिग हो चुके हैं, हमारा काम हो गया था। समी भाई ने तो वीज़ा भी दे दिया है और मुझे कल मिलेगा, इसकी वजह नहीं बता रहे। इसे इसलिए आज मिला क्योंकि इसकी सिफारिश थी, MPA की सिफारिश थी, मलिक अहमद अली अलग साहब की। तो आज ये बड़े खुश है, पर इन्होंने मेरी सिफारिश नहीं करवाई क्योंकि इसने मुझे बताया ले। और हमने आज रहना भी पीपल है उसमें है। आप सब बताना चाहिए, हमने पीपल हाउस रहना है। हाँ, यहाँ पर MPMA रहते हैं, हमने वहाँ पर रहना है और इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से यार बंडल ऑफ टाइम यार। अच्छा ये बताओ कि मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर कैसा लग रहा है आपको? लाहौर अब मज़ा आ रहा है क्योंकि वीज़ा में इतना ना मुश्किल थी। वीज़े में पहले परेशान थे, पहले ये हम बहुत परेशान थे, तो इसकी तो MPA भी नहीं थे। इसकी लेकिन MPA की सिफारिश थी तो हमारा काम इजीली हो गया है यार, बंडल होता है। ममनून। तो हमने अब ऊबर रिक्शा करवा लिया है, वो देखिए 15 मिनट तक आ जाएगा। तो हम अब जा रहे हैं 2 मिनट तक आ जाएगा। तो अब हम करीम ब्लॉक जा रहे हैं, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे। ऊबर रिक्शा आ गया, अब हम जा रहे हैं करीम ब्लॉक। यहाँ पर पीछे गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसी बात है ना, रिक्वेस्ट करो यार। पहुँच चुके हैं, थोड़ा जल्दी आए क्योंकि ये सारे जो स्टॉल हैं ये अभी बंद हैं। एक स्टॉल खुले, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। हम करीम ब्लॉक पर पहुंच गए थे और सुबह सुबह तो शॉप्स बंद थी, लेकिन अब सारा ये खुल चुकी हैं। हमने शॉपिंग तकरीबन कर ली है और समी भाई तो जा रहे हैं
अपने घर, लेकिन मैं कज़न के पास रहूँगा क्योंकि सिस्टर का वीज़ा उठाना है। शॉपिंग कर ली है और अब समीर भाई घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो समीर भाई मुझे कहते हैं कि रोड चलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अस्कर का काम करवा के आऊँगा। तो फिलहाल तो समीर भाई करोड जा रहे हैं, लेकिन इनका काम हो गया, बड़ा खुश नसीब लक्की बने हैं, काम इनका हो गया। लेकिन यह है कि इनका जो काम करवाया ना वो MPA मलिक अहमद योड़ा के थ्रू हुआ है। ऐसे काम नहीं हो सकता था, इन्होंने करवा लिया है और इन्होंने ओबर बाइक करवा ली है और थोड़ी देर में वो आ जाएगी। 5:30 बजे समीर भाई लाहौर से रवाना हो जाएंगे और करोड़ पहुंच जाएंगे। समीर भाई के ऊपर बाइक आ गई है, मैं तो चढ़ता भी हूँ मोटरसाइकिल पे। ठीक है समीर भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। समीर भाई घर की तरफ चले गए क्योंकि उसका काम हो गया था, मेरा काम हो गया था, लेकिन मैं अपनी सिस्टर की वजह से रह गया हूँ क्योंकि उसका वीज़ा है और मैं सोच रहा था कि उसका काम करवा कर ही जाऊँ, फिर दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो सभी को मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा कह कर बरकत मार्केट के साथ एक पार्क है वहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि रोड और बरकत मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा रश था, जिस रश और शोर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना तो वीडियो सही तरीके से बन रही थी क्योंकि आवाज़ मैं बोलता था लेकिन पीछे से गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा आता था। और मौसम को थोड़ी देर है क्योंकि वो यूनिक गया हुआ था, 15-20 मिनट बाद आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर मैं हौसला चला जाऊँगा, फिर कल देखते हैं कि क्या होता है। आज का वाला करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.